तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है केंटा, अब तुम्हें मरना होगा। ये तो वक्त ही बताएगा या तो कि मरेगा कौन। तो हेरश आर्मी, कैसे हैं आप लोग? आई होप पलिस वर्ल्ड। मैं हूँ राहुल, और का स्वागत है आपके अपने चैनल रश आवर गेमिंग हिंदी में। तो यार, सबसे पहले शाउट आउट जाता है प्रीतम मंडल को, जिन्होंने सबसे पहले सही आंसर दिया था हमारी पिछली वाली वीडियो में। एंड यार, ये नीचे वाला कमेंट शैडो आर्मी का है, जिन्होंने कि सबसे पहले कमेंट किया था हमारी पिछली वाली वीडियो में। सो अगर आप भी इनकी तरह अगली वीडियो बनाना चाहते हो तो यार बताइए इस स्किन का नाम क्या है। एंड यार, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार आपके सब्सक्राइब से मुझे मिलेगा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन, और आपको मिलेगी फ्यूचर में आने वाली ऑसम वीडियोस की नोटिफिकेशन। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा फॉलो नहीं किया तो यार लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ब्यूटीफुल विलेज जिसका नाम था सेंसे, चारों तरफ सिर्फ खुशियाँ। ऐसा लग रहा है इन लोगों ने तो कभी देखा ही ना हो। दुनिया में एकमात्र ऐसा विलेज जो अभी तक शांति और खुशी से जी रहा है, क्योंकि यार बाकी ये गांव या तो गुलाम बन चुके हैं या फिर जलकर राख हो चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन सब गाँव के साथ ऐसा क्यों और किस कारण हुआ। तो यार, इसका कारण है पूरी दुनिया पर राज करना, और ये राज करना चाहता है केंटा। केंटा एक मशहूर फाइटर जिसकी तलवार की धार से बचना इम्पॉसिबल है। ऐसा कोई फाइटर न था जिसको केंटा ने मार न डाला हो। वो हर चीज़ में परफेक्ट था, पावर से लेके फाइट से लेके सब कुछ। लेकिन एक चीज़ उसमें हावी हो चुकी थी, वो था उसका घमंड। उससे अपनी ताकत पे घमंड हो चुका था। वो अब पूरी दुनिया पर राज करना चाहता था। उसका ये मकसद काफ़ी हद तक पूरा हो चुका था। केंटा ने आधी दुनिया जीत ली थी। अब एक दिन उसकी नज़र पड़ी सेंसे विलेज पर। इधर सेंसे के लोगों को पता ही नहीं कि मौत धीरे धीरे उनके समीप आती जा रही है। अचानक गांव पर अटैक होता है। कुछ ही पल में गांव तहस नहस हो जाता है। चारों तरफ अब सिर्फ लाशें थी, कुछ लोग बचे हुए थे क्योंकि यार वो गांव से भाग चुके थे। अपने गाँव को यूँ जलता देख उन्हें बहुत ही दुख हुआ। इन लोगों में से एक था हयातो, जिसे दुख तो था लेकिन यार केंटा के प्रति उसके अंदर बदले की भावना जागने लगी। उसने ठान लिया कि अब वो बदला लेकर रहेगा, केंटा को मार गिराएगा। उसने अलग अलग फाइटिंग स्कूल्स में जाकर ट्रेनिंग ली, एक से बढ़कर एक फाइटिंग स्किल्स उसने सीखी, साथ ही कुछ मैजिकल पावर्स भी। इधर केंटा धीरे धीरे पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाने में जुटा था। जो भी यार उसका विरोध करता उसका सर डर से अलग हो जाता। अब लोगों को चाहिए था मसीहा जो कि उनकी मदद करे, केंटा को मार गिराए और फिर से पूरी दुनिया में खुशहाली लाए। शायद उनका मसीहा हया तो ही है, जिसने अब अपनी एक आर्मी बनाई। युद्ध अब स्टार्ट हो चुका था। धीरे धीरे हयातो की सेना भारी पड़ने लगी। देखते ही देखते केंटा की सेना खत्म हो गई। अब हयातो केंटा को आराम से मार सकता था, क्योंकि यार अब केंटा अकेला हो गया था। लेकिन उसने कुछ अलग किया। हयातो ने केंटा के साथ वन वर्सेस वन किया। ये इसलिए ताकि लोगों के अंदर से डर हट जाए। अगर आगे केंटा जैसे और भी लोग आते हैं तो यार वो खुद उनसे लड़ सके। दोनों के बीच एक घमासान युद्ध हुआ। में आखिर में हयातो की जीत हुई, और इस तरह से फिर से पूरी दुनिया से बुराई का अंत हुआ। सो आई होप कि यार आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि यार जैसे आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो वैसे आप रश आर्मी कैसा बन जाओगे, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी बेहतरीन बात होगी। और हाँ, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा फॉलो नहीं किया तो यार लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो गुड बाय, टेक केयर।